कृष्णलाल पंवार आज नामांकन भरा है राज्यसभा के लिए, भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हैं। बात करते हैं सर, आज आपको पार्टी ने फिर से मौका दिया है, क्या कहेंगे? इसके लिए मैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी का, भाई अमित शाह जी का और राष्ट्र के पूरे संगठनकार और राष्ट्रीय स्तर के सभी नेताओं का और विशेष तौर से हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय मनोहर लाल जी का और हमारे प्रदेश अध्यक्ष धनखड़ जी का, पूरे संगठन हरियाणा प्रदेश का मैं धन्यवाद करता हूँ, नमन करता हूँ कि अनुसूचित जाति के छोटे से एक कार्यकर्ता को राज्यसभा भेजने का नाम जो दिया है, इसके लिए मैं नमन करता हूँ। क्या मुद्दे, क्या प्लानिंग जहन में है इसके लिए? हरियाणा प्रदेश की पहली बातों का मुद्दा नहीं है, विशेष तौर से जिस प्रकार से कि SYL का मामला बहुत लंबे समय से चल रहा है और उसमें हमारी भारतीय जनता पार्टी ने माननीय मनोहर लाल नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल में ही उसकी कोई स्ट्रीम लाइन बनी है। उससे पहले अतीत के कितने 25 साल से विधानसभा में हर पार्टी शरण लेने की कोशिश करती थी, लेकिन धरातल पर किसी ने काम नहीं किया। तो माननीय मनोहर लाल जी ने सर्व पार्टियों के दो बार विधानसभा में स्पेशल सेशन बुला करके सर्व समिति से रेजुलेशन पास करके केंद्र सरकार को भेजा कि हरियाणा प्रदेश के अंदर SYL का पानी आना चाहिए, SYL हमारे लिए जीवन रेखा है, तो इससे सीरियस भारतीय जनता पार्टी क्या होगी। तो उसमें सुप्रीम कोर्ट में भी हमारे पक्ष में फैसला आया, तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में ही हरियाणा प्रदेश को पानी मिलेगा। और इससे अतीत में जब कांग्रेस की सरकार थी कैप्टन की, किस प्रकार से SYL की जो पर्तियाँ विधानसभा में पाड़ी गई थी, मौजूदा आज की सरकार भी हरियाणा प्रदेश को पानी देने को तैयार नहीं है। केजरीवाल हरियाणा में तो बयान कुछ और देता है, पंजाब में जब कुछ और देता है, तो केजरीवाल SYL का पेंट जो हमारा पानी है पंजाब से देना, तो जो काम करने वाला करता नहीं, झूठ फरी का नाम लेकर के वाई लूटना चाहता है, इसलिए ऐसी पार्टी को मैं कंडम करता हूँ। डिप्टी स्पीकर रणबीर गंगवा बैठे हैं, जब ये राज्यसभा गए आपने साइन किए थे, हाँ जिनसे साइन करवा लिया आपने? हाँ बिल्कुल जी, जब भाई रणबीर गंगवा जी जब राज्यसभा में गए, मैं विधायक था, तो आज जब इन्हें साइन किए और पवार साहब, मैंने अपना बदला उतार दिया, आज बदला एक का नहीं दोनों ने उतारा है। राम कुमार कश्यप जो आज MLA जब वो राज्यसभा में गए, उनका भी नॉमिनेशन पे मैंने साइन किए थे। तो आपके दो बदले उतर गए, गंगवा साहब आपका बदला उतर गया? देखिए, मुझे सबसे बड़ी खुशी इस बात की है कि मेरे बहुत ही पुराने मित्र और बहुत ही एक अनुभवी जो नेता है हरियाणा प्रदेश के, जो कई बार MLA रहे, कई बार मंत्री रहे, और विशेषकर इस बात की भी खुशी है कि वो SC वर्ग से संबंधित हैं, निश्चित रूप से जो SC के BC के जो वंचित वर्ग है उनके दर्द को समझने वाले हैं, तो निश्चित तौर पर उनकी आवाज़ बढ़ने का भी काम करेंगे और उनके आवाज़ उठाने का, ना केवल उठाने का बल्कि वो सॉल्व कराने का भी काम करेंगे जो भी उनकी कोई दिक्कत परेशानी है। और इसके लिए मैं आभार प्रकट करता हूँ हमारे भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व का भी और हमारे स्टेट के नेतृत्व माननीय मुख्यमंत्री महोदय का, माननीय प्रदेश अध्यक्ष धनखड़ जी का भी, कि जिन्होंने एक बहुत ही सुलझे हुए व्यक्ति को जो राज्यसभा में भेजने का काम किया, निश्चित तौर पर इनके अनुभव का हमें लाभ होगा। और जैसे आपने कहा कि मुझे खुशी है इस बात की कि जब मैं राज्यसभा में गया तो मेरे फार्म पे इन्होंने साइन किए थे, आज मैंने आते कहा भी मेरे साइन पे लेकर आओ, ताकि मैं मुझे सबसे ज़्यादा इस बात की खुशी है। मुंह मीठा करा दिया आपने, ये लो आपके सामने एक बार फिर से करा देता हूँ, आपके सामने जो है एक बार फिर से मैं मुंह मीठा कराता हूँ। तो मुंह मीठा रणबीर गंगवा करवा रहे हैं राज्यसभा के उम्मीदवार, नामांकन भरा है भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार कृष्णलाल पंवार ने। मैं हूँ देवेंद्र, कैमरा के पीछे मेरे सहयोगी रजत, नमस्कार।